हाय, मेरा नाम विकास चक्रवर्ती है। आइए आज हम लोग फिर एक क्वेश्चन लेते हैं फॉरफिटर और रेस रिलेटेड प्रॉब्लम से। अब इसके लिए भी हम लोग को एक एग्जांपल लेके साथ आते हैं कि ये भी एक क्वेश्चन आए हुए हैं जो बोर्ड के एग्जाम में, तो देखते हैं है क्या क्वेश्चन में। तो आइए चलते हैं, पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है। गिव जेंडर एंट्री टू रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ फॉरफिटेड एंड रीइश्यू ऑफ शेयर एंड ओपन शेयर फॉरफिटेड अकाउंट इन द बुक ऑफ द कंपनी। यानी क्वेश्चन में कह रहा है कि कंपनी को ट्रांजेक्शन करना है, यानी जर्नल एंट्री करनी है और फॉरफिटेड शेयर की अकाउंट बनाना है, ठीक है। क्या कह रहा है और आगे देखते हैं। अनलिमिटेड फॉरफिटेड 470 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच इशूड एट ए प्रीमियम 5 रुपीज पर शेयर फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ रुपीज 8 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ रुपीज 5 पर शेयर। यानी कंपनी कह रही है कि 470 यानी 470 शेयर को कंपनी ने फॉरफिट किया और एक शेयर की प्राइस कितने का बता रही है, 10 रुपीज का है। और उसी कंपनी ने जो इशू किया हुआ था मार्केट में वो कितने रुपीज का था, 5 रुपीज प्रीमियम का था। और उस शेयर होल्डर ने जो एल लिमिटेड जो फॉरफिट कर रही है एक शेयर होल्डर का, उस शेयर होल्डर ने किसका अमाउंट पेमेंट नहीं किया था, अलॉटमेंट का। जो अलॉटमेंट कितने रुपीज की थी, 8 रुपीज पर शेयर थी, जिसमें इंक्लूडिंग क्या था, 5 रुपए का प्रीमियम था। एंड द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ 5 पर शेयर। और क्या पेमेंट नहीं किया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की अमाउंट भी उसने पेमेंट नहीं किए, जो उसके कितने की थी, वो 5 रुपए की थी, ठीक है। फिर कंपनी कह रही है क्या, ऑल द अलॉटमेंट मनी। अब देखिए कंपनी 5 रुपीज पर शेयर के हिसाब से फर्स्ट कॉल की नहीं की अलॉटेड किया था, अलॉटमेंट मनी पेमेंट नहीं किया था। ऑल द फॉरफिटेड शेयर फॉरफिटेड जब फॉरफिट कर ली है, ऑल द शेयर को फॉरफिट कर ली है। एंड फॉरफिटेड शेयर रीइश्यू कितने में कर रही है, 14 रुपीज, यानी 14 रुपए पे कंपनी क्या कर रही है, उससे रीइश्यू कर रही है। तो यानी अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या था। कंपनी कह रही है कि कंपनी के पास 470 शेयर्स, ठीक है, इतने शेयर थे कंपनी जिसको फॉरफिट किया, और एक शेयर की प्राइस क्या है, एट द रेट ऑफ रुपीज 10 ईच, ठीक है। प्रीमियम कितने का है, यहां पे प्रीमियम एट द रेट ऑफ रुपीज 5 उसने करी, कंपनी करी कि उसने अलॉटमेंट का, अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब अलॉटमेंट रुपीज कितने का था, कंपनी करी कि अलॉटमेंट जो रुपीज थी वो कितने रुपीज की थी, वो 8 रुपीज का था, 8 रुपीज अलॉटमेंट था, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने रुपीज का था, रुपीज 5 का। इसका मतलब क्या हो गया कि उसकी अप्लीकेशन की अमाउंट कितने की रही होगी, अगर अप्लीकेशन की अमाउंट निकाले तो कितने का रहा होगा, 10 प्लस 5 कितने की कंपनी मांगी है, 15 रुपीज, इसमें 5 रुपीज प्रीमियम भी इंक्लूडेड है, ठीक है। तो 15 में से 8 और 5 कितना हो गया, 13, 8 प्लस 5 कितना हो गया, 13। कंपनी ने मांगा था कितना, 15 रुपीज, यानी उसने जो पेमेंट किया होगा वो कितने रुपीज का अमाउंट से पेमेंट किया होगा, यानी अप्लीकेशन की अमाउंट रही होगी 2 रुपीज से, ओके। अब कंपनी कह रही है इन शेयर को कंपनी ने उसने पेमेंट क्या नहीं किया, फर्स्ट कॉल की अमाउंट पेमेंट नहीं किया और सेकंड कॉल के अमाउंट पेमेंट नहीं किया, और कंपनी इसके शेयर को फॉरफिट कर रही है। फॉरफिट करने के बाद इसी शेयर को रीइश्यू कर रही है कितने पे, 14 रुपीज में, यानी रीइश्यू का जो अमाउंट बता रही है, रीइश्यू अमाउंट जो हो रही है वो कितने रुपीज में कर रही है, 14 रुपीज में, यानी 10 रुपए का फेस वैल्यू था कंपनी एक्स्ट्रा पे कर रही है। ये तो था क्वेश्चन में था। अब इसको क्वेश्चन में सॉल्व कैसे करते हैं कंपनी, कि यहाँ पे जो जनरल एंट्री करेगी एल लिमिटेड अपने यहाँ पे इन द बुक्स ऑफ एल लिमिटेड के यहाँ पे जो जनरल एंट्री होगी वो जनरल एंट्री क्या होगी, देखते हैं। तो जो पहली जनरल एंट्री आएगी वो क्या आएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट। अब ये तो कंपनी ने कैपिटल को जितने से क्रेडिट किया था उसे यहां पे डेबिट कर दिया, प्रीमियम को क्रेडिट किया तो उसे डेबिट कर दिया। यहां पे टू जो उसने पेमेंट किया होगा वो कहां पे आएगी, फॉरफिटेड में, तो टू फॉरफिटेड शेयर्स। अब जो उसने पेमेंट नहीं किया है तो कौन कौन सा नहीं पेमेंट किया, इसमें क्वेश्चन में बताया हुआ है कौन कौन से पेमेंट नहीं किया, अलॉटमेंट का और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का। तो यहां पे क्या हो गया, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट और फिर टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल।
अब देखिए कैपिटल कितने से आएगी, कंपनी का एक कितना नंबर ऑफ शेयर प्रॉफिट कर रही है 470, और एक शेयर की प्राइस कितने का था 10 रुपीज का, तो 470 × 10 = 4700। अब कंपनी कर रही कि प्रीमियम भी है, उसमें प्रीमियम कितने का है 5 रुपीज का है, तो प्रीमियम में कितना आएगा 470 × 5 = 2350। अब उसने क्या पेमेंट नहीं किया था, अलॉटमेंट पेमेंट नहीं किया, अलॉटमेंट कितने रुपीज का था, अलॉटमेंट बता रही 8 रुपीज का, यानी अलॉटमेंट कितने का था 470 × 8, यानी उसने अलॉटमेंट की अमाउंट जो थी 470 × 8 के हिसाब से पेमेंट नहीं किया 3760 मल्टीप्लाई किया। अब उसने फर्स्ट कॉल के अमाउंट भी, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के अमाउंट पेमेंट नहीं किया, कितने से आए 470 × फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने रुपीज का बता रही कंपनी, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने रुपीज का है 5 रुपीज का है, तो इसमें भी कितना आ गया 2350। इसका मतलब उसने पेमेंट क्या किया था, उसने जो पेमेंट किया था वो क्या पेमेंट किया था, ओनली क्या एप्लीकेशन का, यानी अगर देखा जाता एप्लीकेशन के अमाउंट कितना पेमेंट किया था उसने 2 रुपीज का, तो यहां पे यानी प्रॉफिट में कितना आएगा 470 × 2 = 940। ओके अब यहां पे बीइंग 470 शेयर्स फॉरफिटेड। अब कंपनी इसी शेयर को रीइश्यू कर रही है कितने रुपीस में, रीइश्यू कितने में कर रही है 14 रुपीस में, यानी अमाउंट था फेस वैल्यू था नॉमिनल फेस वैल्यू कितने की थी 10 रुपए का था, लेकिन कंपनी ने इशू कितने में किया है 14 रुपीस में, यानी किसमें किया हुआ प्रीमियम पे, क्योंकि अधिक मांग रही है, अधिक कैसे मान लो हम लोग को, क्योंकि 10 रुपए का शेयर था कंपनी ने 14 में किया, यानी 4 रुपए से एक्स्ट्रा कॉल की हुई है, तभी कंडीशन में वो क्या हो गया वो प्रीमियम हो गया। तो रीइश्यू की जनरेट क्या होगी, बैंक ऑन डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। अब देखिए यहां पे कितने में क्या हुआ है 470 × 14, कैपिटल कितने का आएगा 470 × 10, और यहां प्रीमियम कितने का हो गया 470 × 4। अब 470 × 14 किया तो 6580, 470 × 10 किया तो कितना आ गया यहां पे 4700। प्रीमियम कितने का हो जा रहा है, फेस वैल्यू तो 10 रुपीज का था, प्रीमियम कितने का हो जा रहा है 14 में इशू की थी, तो 4 रुपए क्या हो गई प्रीमियम पे हो गई, जब 4 रुपए प्रीमियम पे हो गई तब कंडीशन है 470 × 4 = 1880। बीइंग फॉरफिटेड शेयर, बीइंग forfeited shares reissue, ठीक है। अब कंपनी जो forfeited share reissue कर ली, अब एक चीज देखा जाए तो कंपनी को क्या यहां पे कि जो कैपिटल प्रॉफिट हुई थी कंपनी ने क्या reissue में यूज किया है, अगर reissue में यूज करेगी तो माइनस करके यूज करोगे, अगर नहीं हुआ है तो टोटल टोटल अमाउंट क्या होगी कंपनी के लिए, क्या होगी वो कैपिटल प्रॉफिट हो गई, तो उस कैपिटल प्रॉफिट को कहां ट्रांसफर करेगी कैपिटल रिजर्व में। तो अब देखते हैं यहां पे क्या है, कंपनी को यहां पे कैपिटल प्रॉफिट कितने का हुआ था 940 रुपीज का क्या होती कैपिटल प्रॉफिट, और कंपनी ने इसी को कहां ट्रांसफर कर दिया कैपिटल रिजर्व में, कैसे क्योंकि रीइश्यू तो प्रीमियम पे की है, यानी कंपनी को यहां पे तो कोई लॉस हुआ नहीं, जब लॉस हुई नहीं तो कंपनी ने उस प्रॉफिट का यूज किया नहीं, ठीक। जब प्रॉफिट का यूज हुआ नहीं तो वो जो पर्टिकुलर जो प्रॉफिट बची हुई है उसको कंपनी कहां ट्रांसफर करेगी कैपिटल रिजर्व में। तो नेक्स्ट डेट क्या हो जाएगा, प्रश्न मिटा देते हैं, क्योंकि जो कंपनी को कैपिटल प्रॉफिट आई थी तो उसको कंपनी कहां पर ट्रांसफर कर सकती है कैपिटल रिजर्व में। तो नेट जनरेट क्या हो जाएगा, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट, फॉरफिटेड शेयर्स
अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व कैपिटल रिजर्व जो 940 रुपीज जो कैपिटल जो प्रॉफिट हुई थी कहीं यूज तो हुआ नहीं तो उसको कहां ट्रांसफर कर दी कैपिटल रिजर्व में 940 ठीक है तो बीइंग द गेन ऑफ अब देखिए ये गेन किस पे हुआ था गेन ऑन रीइशू रीइशू जब कंपनी ने गेन किया था रीइशू पे ट्रांसफर कर रही कहां पे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट अब देखिए ये तो कंपनी ने ट्रांसफर कर दिया अब क्वेश्चन में और क्या कहा गया है कि फॉरफिटेड अकाउंट बनाने के जब फॉरफिटेड अकाउंट बनाने के लिए तो ये एक नए तरह का आ गया टेंशन आ गई इसलिए कोई टेंशन की बात नहीं है नॉर्मल जैसे हम जनरल एंट्री करते हैं जनरल का लेजर पोस्टिंग करते हैं सेम उसी टाइप से करना है अब देखिए यहां पे लेजर का फॉर्मेट बनाते हैं अकाउंट बनाया फॉरफिटेड ये फॉरफिटेड अकाउंट बना रहे फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट ठीक है पर्टिकुलर रुपीज पर्टिकुलर एंड रुपीज ये हो गए क्रेडिट साइड और यहां पे हो गया ये डेबिट साइड अब देखिए हम लोग जो फॉरफिट गिनती किया था तो हम लोगों ने क्या किया था इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू फॉरफिट शेयर टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट और टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल तो अब फॉरफिट क्या थी वहां पे क्रेडिट था तो फॉरफिट अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्या आएगा कितने का था वो कैपिटल से आएगा तो क्या जाएगी यहां पे बाय इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितने से आया थी 940 से ठीक है अगर इनकेस अगर हम लोग उसको यूज किए रहते अगर कहां पे क्या करता यूज किए होते तब तो वहां पे यूज किया थी अगर लेकिन यहां पे यूज तो हुआ नहीं थोड़ा थोड़ा अमाउंट कहां ट्रांसफर करते कैपिटलिज्म हमने जनरली क्या किया फॉरफिट शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटलिज्म यानी फॉरफिट शेयर अकाउंट के डेबिट साइड में क्या आएगा टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट कितने से सेम अमाउंट 940 पूरे का पूरा कहां चला गया कैपिटल रिजर्व में ये आ गई 940 दोनों साइड इक्वल 940 इस टाइप से तो फॉरफिट शेयर के अकाउंट भी बन गया और जनरल एंट्री भी हो गया ठीक है क्वेश्चन में फिर से देख लेते क्या क्या था कंपनी ने 477 को फॉरफिट किया और उसको फिर रीइशू की 14 रुपीस में और जो एक्स्ट्रा अमाउंट थी उसको कहां ट्रांसफर कर दिया कैपिटल रिजर्व में और उसका फिर कंपनी कही कि इसमें फॉरफिट शेयर अकाउंट बनाने के लिए तो फॉरफिट शेयर अकाउंट बनाया तो क्या हो गया बाय इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से जितने से फॉरफिट की अमाउंट आई थी और अगर यूज किया था तो यूज की अमाउंट आती यहां पे यूज नहीं किया तब की कंडीशन में जो भी अमाउंट था उसको उन्होंने कहां ट्रांसफर कर दिया था कैपिटल रिजर्व में तो यहां पर उन्होंने शो कर दिया टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट कितने से 940 से और क्लोज कर दिया ओके अब इसके बाद और भी कई क्वेश्चन लेके आएंगे जो कि सीबीएसई में आए हुए क्वेश्चन में से रहेंगे अब अगर आपको चीज अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब कीजिए और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में सेंड कीजिए ओके थैंक यू